छत्तीसगढ़ जनजाति के पेय पदार्थ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जितने भी जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको महिला पर्यवेक्षक हॉस्टल बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। जो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल समय जाया ना करते हुए क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। सल्फी आपका जनजाति संबंधित है, मुड़िया और माड़िया सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ताड़ी वृक्ष है आपका बैगा जनजाति से, ताड़ वृक्ष और छिंद से प्राप्त करते हैं। याद रखना, जितने भी पेय पदार्थ है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हांडिया आपको कोरवा जनजाति से चावल के आटे से बनता है, ठीक है। एक बार याद रखना, कोरवा जो जनजाति है हांडिया से संबंधित है, चावल के आटे से बनता है। छिंद रस है आपका माड़िया एवं अबुज माड़िया, यह आपको गोंड जनजाति की उपजाति है, ठीक है। गोंड जनजाति की उपजाति है जिसमें 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, 161 उप समूह पाया जाता है, याद रखना। अब देखेंगे यहाँ से आपका पेज गोंड जनजाति संबंधित चावल से बनता है, जो पेज है ना आपका चावल से। अब देखिए, अब चावल से कैसे बनता है कई लोग पूछ रहे हैं, तो चावल से बनता है पेज। यानी कि देखिए, चावल को हम जैसे बनाते हैं ना तो थोड़ा गीला हो जाता है या फिर उसको पसाते हैं, याद समझ में आ रहा है। जैसे चावल को हम बनाते हैं तो उसको पसाते हैं ना तो थोड़ा चावल गिर जाता है, पसिया कहते हैं उसको। उसको बहुत मज़ा आता है खाने पीने से, अच्छा लगता है। वही आपका पेज है, थोड़ा उसमें और डाल देते हैं भात वगैरह, वैसे ही खाते हैं। कोसमा, अब देखिए उसमें थोड़ा नमक डाल के खाते हैं ना, ऐसे कि नहीं कि कुछ भी डाल जी। चलिए आप लोग बताइएगा कि कौन कौन पेज खा चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन पेज खाए हुए हैं, सभी के सभी बताइएगा, ठीक है। कोसमा उराव से संबंधित है, जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ आज मैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है व्यापम में और पीएससी में। एक बार रट के जाइएगा या फिर वीडियो को याद कर लीजिएगा, एक बार याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, या फिर एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। समय को जाया न करते हुए टोटल 20 एमसीक्यू यहां पर करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति से, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, तो घोटुल आपका आएगा आंसर डी, मुड़िया जनजाति से संबंधित है, याद रखना ऑप्शन डी। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। अगर आप महिला पर्यवेक्षक हॉस्टल वाड़ाना चाहे कोई भी एग्जाम पीएससी व्यापम की तैयारी खास तौर पर वीडियो लेकर आए हैं, क्लास कंटिन्यू करना है ना। चलिए आंसर देखना चाहते हो तो आंसर आप देख सकते हैं, मुड़िया ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर कमार गोंड। तो सभी का आंसर यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो उसको हम उसको एक बार मिटा दे रहे हैं ना। आप तैयार हो जाइएगा मॉक टेस्ट देने के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, और कंटिन्यू सभी के सभी आंसर आना चाहिए। सभी लोग टेस्ट जल्दी से क्लास में स्टार्ट ज्वाइन करें, यहाँ पर टेस्ट चल रही है, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना स्टार्ट कीजिएगा, सभी के सभी कमेंट करते जाइएगा। छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं उप जनजाति कौन सी जोड़ी सही नहीं है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए मोहन, हाँ वेरी गुड, मोहन का आंसर आया है, गीतांजलि का भी आंसर आ चुका है, रमेश का भी आया है। आप लोग क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ मौखिक टेस्ट चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाइएगा, टोटल 20 प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर बकवास ना कीजिएगा ना। जिनको टेस्ट नहीं देना है स्किप कीजिएगा वीडियो को या फिर बाहर चले जाइएगा, ऐसे मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। जब सर की बात नहीं मान रहे हो जब, हाँ क्लास ज्वाइन मत कीजिएगा ना, आप तैयारी नहीं कर रहे ना, क्लास से बाहर हो जाइएगा रमेश, क्लास से बाहर हो जाइएगा या फिर स्किप कर दीजिएगा, या फिर आपको देखना है तो देखिए या फिर कमेंट करके आंसर दीजिएगा, एकदम गधे के तौर पर नहीं बैठना यहाँ पर, वरना ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। आप तैयारी नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। चलिए क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, क्योंकि बैगा बिंझवार से संबंधित है, गोड़ प्रधान से संबंधित है, उराव
कुरुक से संबंधित, जबकि कंवर अबुधमाड़िया से संबंधित नहीं है। इसका आंसर सी होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। हम आपको आंसर भी दिखाएंगे चेक करके। धनका किस जनजाति की उप जनजाति, आप सभी को मालूम होगा धनका। धनका किन को मालूम नहीं है, धनका आपका उराव से संबंधित है। उराव अभी पहला वीडियो में हमने कराया है, पार्ट वन वीडियो में, ये आपका पार्ट टू वीडियो है ना। हमारे मेहनत को जाया ना करते हुए क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ए। धनका किसकी उप जनजाति है, उराव की। आंसर आप चेक कर सकते हैं, कोई गलत नहीं बताएंगे हम। चलिए पांचवा का जल्दी बताइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, क्लास ज्वाइन कीजिए। सभी का सभी आंसर आना चाहिए, 90% आंसर आना चाहिए। चुपचाप नहीं बैठना यहाँ पर, तैयारी कर रहे हैं, मौखिक टेस्ट दीजिएगा, वन लाइन क्वेश्चन। ये बुधवार नहीं है ना। इस राज्य की निम्न किस जनजाति की उप जनजाति है, क्या आएगा पांचवा का, गोड़। ये बुधर जिया है, उत्तर आप देख सकते हैं, चेक कर दीजिएगा। ये ले गोड़ आएगा। माड़िया और मुड़िया एवं डोरला इस राज्य की निम्न किस जनजाति की उप जनजाति है, जल्दी से बताइएगा। माड़िया, मुड़िया और डोरला इस राज्य के निम्न में से किसकी उप जनजातियाँ हैं, बैगा, कमार, गोड़ या कंवर, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 से 4 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा जनजाति से, बिल्कुल है। पार्ट टू वीडियो में आपका लाए हैं 2 से 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। कल का वीडियो हमने देखा है, उसमें 4 से 5 नंबर का हमने क्लास कराए हैं। कितना नंबर हो रहा है, 4 से 5 नंबर और 2 से 3 नंबर, यानी कि 6 से 7 नंबर यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं। और कोई जनजाति इस क्लास लेकर नहीं आऊँगा मैं, सिर्फ 2 ही वीडियो लाऊँगा। पार्ट वन वीडियो लाया था, ये आज आपको पार्ट टू वीडियो है, बस 2 ही चैप्टर में आपका जनजाति संबंधित क्लासेस खत्म। पढ़ लो जाओ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। अगर आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पार्ट 3 वीडियो हम लाएंगे, अगर आपके कहने पर। अगर आपको चाहिए पार्ट 3 वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। इसका आंसर कितने लोगों का आ रहा है, 73, 73% लोगों का आंसर आया है, बाकी का क्यों नहीं आया है। फिर 100 में 100 आंसर आना चाहिए ना, जब आप महिला पर्यवेक्षक हॉस्टल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मारिया, मुड़िया, डोरला किसकी उप जनजातियाँ हैं, बैकुप, गोड़ जनजाति। बार बार कह रहा हूँ, अभी जितने भी मारिया मुड़िया होता है ना, सभी गोड़ जनजाति के हैं। चेक कर ले भाई, आंसर आपको यकीन नहीं है तो बैकुप। गुरावट क्या है, गुरावट को किस जनजाति संबंधित है, गंधर्व, सेवा, विनिमय या हट विवाह, क्या कहा जाता है। सातवां आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी लोग कान सुन लो, सभी का आंसर आना चाहिए। गधे, अगर जो भी गधे है ना, उसका आंसर बस यहाँ नहीं आएगा। गधे लोग को जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उसका आंसर नहीं आएगा। बाकी लोग अगर गधे समझते हैं अपने आप को तो कमेंट नहीं करना, और जो होशियार समझते हैं ना, कमेंट कीजिएगा, कम से कम प्रैक्टिस सेट करिए। कितने लोग का आ रहा है आंसर, कितने लोग का आ रहा है, हाँ सही है। गुरावट जो विवाह होता है ना आपका, विनिमय विवाह होता है, विनिमय विवाह, चेक कर लीजिएगा आंसर, विनिमय विवाह है। निम्न अनुसूचित जातियां में धुमकुरिया विवाह युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है, धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति से, धुमकुरिया युवा, धुमकुरिया उराव से संबंधित है, धुमकुरिया उराव। युवा गृह घोटुल की युवती सदस्यों की प्रमुख क्या होती है, केवरा, बालीफूल, बेलोसा या मोटियारी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है तीसरा, बेलोसा, बिल्कुल राइट है।
कितने लोगों का आ रहा है, 99 लोगों का आंसर आया है, 1% नहीं आया आंसर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 90% लोग तैयारी कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वाले। मेरे को अच्छी लग रही है यहाँ पर जो लोग कमेंट करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं, बहुत खुशी लग रही है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं, है ना। बस मुझे और अच्छे से खुश करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारा मेहनत। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना हमारा मेहनत, वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे लिए, और बड़ी बात नहीं है, अच्छी लग रही है हमें, कमेंट भी अच्छा खासा है और लाइक भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयारी करते रहें। Part 3 वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में बेलोसा ना इसका आंसर सी होगा। कई बच्चे कह रहे सर उत्तर दिखाइए, देख लीजिएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं उत्तर। कोरवा लोगों की पंचायत क्या कहलाते हैं, कोरवा मयारी लोग को कहते हैं, कोरवा, कोरवा की जो पंचायत होती है ना मयारी आएगा। ये जो टोटल 20 MCQ करा रहा हूँ ना, अच्छे से रट लीजिएगा, है ना बेवकूफ। ये क्या बोल रहा है महेश, कौन है ये महेश, क्या नाम है इनका। जब अभी क्लास चल रही है, टेस्ट चल रही है, बीच में जो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अड़ंगा, है ना। चलिए कोरवा लोगों क्या आएगा, मयारी बेवकूफ। अब देखिए इनको मालूम नहीं है और उत्तर दिखाइए बोल रहा है, पहले उत्तर कैसे दिखाएंगे हम आपको। छत्तीसगढ़ में गोर जनजाति में निम्नलिखित कौन सा विवाह प्रचलित है जिसके द्वारा वर वधु का अपहरण किया जाता है, अपहरण विवाह कहते हैं उसको, पारिंगधन, लमसेना, गुरामट या पायसोतूर। देखिए फटाक से कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, 11वां का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, डी आंसर आ रहा है, 70% आंसर आया, 30% लोग कमेंट करें जल्दी, उनका भी आना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए। मोहन कह रहा है लाइफ में सर आंसर दिखाइएगा, अब सभी लोगों का आंसर पैसा तो आ रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है। निम्नलिखित में से किस जनजाति धूमपुरिया विवाह, अभी आपको बताया ना धूमपुरिया विवाह क्या आएगा, फटाक से कमेंट करो, उराव बेकूफ उराव, धूमपुरिया उराव से संबंध आंसर क्यों बार बार देखना चाहते हो, ये लो देख लो, कोई दिक्कत, आंसर इस पर नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। सेवा विवाह, लमसेना विवाह, समझ लीजिएगा क्या आएगा, सेना लमसेना, है ना, इतना सरल आंसर देखो पूछा है, बिल्कुल सही है, गौर जनजाति। सल्फी नामक पेय पदार्थ, सल्फी नामक पेय पदार्थ अत्यधिक लोकप्रिय है किसमें, 14 आंसर बी मारिया। उराव जनजाति की धूमकोरिया का क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है देखिए, क्या अभिप्राय है, देव स्थल, मुखिया का घर, युवा गृह, पगडंडी। 15 का आंसर इतना मालूम नहीं है, युवा गृह होगा बेवकूफ, युवा गृह। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति का युवा गृह का क्या नाम है, अब देखिए इतना सरल क्वेश्चन पूछा है, सी घोटुल। युवा गृह से क्वेश्चन पूछता है इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2 से 3 नंबर। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति ढूंकू विवाह, देखिए आप देखिए कई लोग पढ़ रहे हैं सर जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति, अरे भाई 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है जिसमें 5 प्रकार का केंद्र सरकार द्वारा और 2 आपका राज्य सरकार द्वारा पाया जाता है, ए बी बी के अबुलमारिया बेगा बिरहोर कमार और कोरवा, या 5 प्रकार की जनजाति केंद्र सरकार द्वारा और पंडोप और भुंजिया आपका 2 प्रकार राज्य सरकार द्वारा, हो गया ना अबुलमारिया 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति। इसमें अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से शामिल नहीं है तो आप बताएंगे परजा जनजाति, परजा जो है विशेष शामिल नहीं है, जबकि रायगढ़ और सरगुजा में यह नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, और क्या पढ़ोगे उसके बारे में। छत्तीसगढ़ पहाड़ी कोरवा जन ढूंकू विवाह, देखिए अब ढूंकू विवाह कुछ इतना सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ढूंकू विवाह पढ़ लो। 17 क्या आएगा, सी बहुपति विवाह, कैसे आएगा, बिल्कुल गलत है आंसर, सी होगा ही नहीं, महिला द्वारा पुरुष के घर जाकर विवाह करना ढूंकू विवाह कहलाता है, और यह क्वेश्चन 4 से 5 बार आया हुआ है, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह करना ढूंकू विवाह कहलाता है,
चार से पांच बार पूछा गया है पीएससी, और व्यापम में तो 3 बार पूछा है। आंसर चेक कर ले भाई, क्या दिक्कत है तेरे को बेवकूफ, हमारे पर विश्वास नहीं है, क्लास मत देखो, ज्वाइन मत करो। छत्तीसगढ़ की गोल जनजाति ने कोल है ना, एक कोल जनजाति, कौन सा विवाह प्रचलित है, कोल है, कोल क्या आएगा, सही है उपरोक्त सभी। भगेली विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, गोड़ जनजाति संबंधी ना है आपको, गोड़ जनजाति है ना, कोल नहीं है, गोड़ जनजाति, गोड़ जनजाति संबंधित है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को, अभी बताया ना पुनर्विवाह, विधवा विवाह, चूरी पहना विवाह, अर उतो विवाह, ये सब क्या है, कहीं पर देख लीजिएगा चूरा पहना विवाह, अब डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। पुनर्विवाह पढ़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह, ये तो आसानी से आप लोग बता दोगे, 90% आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ मैं। गोंड जनजाति, बिल्कुल सही है, गोंड जनजाति विवाह। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगर पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सर हमें पार्ट 3 वीडियो चाहिए, हम कमेंट करके हम आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा भी लगा वीडियो, अच्छा लगता है वीडियो डेली क्लास कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आएँ तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच पाए और व्यापम पीएससी की तैयारी कर पाएँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।